Hello everyone, welcome to my channel. So today it's a very important video. ये एक बहुत important video है for everyone, especially people coming from India, because I'm from India and I know the process and how you can come to Portugal to pursue your degrees and especially with the scholarships. So आज हम बात करेंगे उसके बारे में. तो पोर्चुगल से पीएचडी करने के दो स्पेसिफिक मेथड्स हैं. फर्स्ट, यू अप्लाई डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया था, आई वेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स दे ऑफर एंड फिर उनमें से सर्च करके कि कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए बेस्ट फिट है, मैंने पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई किया. सो हियर इन पोर्चुगल यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है एंड व्हेन यू विल अप्लाई यू हैव टू पे 20 यूरोस, 30 यूरोस, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी. सो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करें. शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को आप शॉर्टलिस्ट करें. लेटर आप अपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जब भी जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, सो आपको जाना है गूगल पे, आपने मेरी यूनिवर्सिटी का है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बियारा इंटीरियर. सो वेबसाइट का मैंने सर्च किया पीएचडी एप्लीकेशन. सो आप डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड साइकिल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं पीएचडी. सो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर योर पीएचडी. फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, मेनली आपका पासपोर्ट लगता है. देन योर सीवी विच शुड बी वेरी गुड. देन योर मास्टर्स और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. फॉर एग्जांपल, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो कि अपोस्टाइल होना चाहिए. एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी, योर डॉक्यूमेंट शुड हैव लाइक मास्टर डिग्री शुड हैव अ रिकग्निशन. एंड इट्स बेटर कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी मार्कशीट्स को भी अपोस्टाइल करा लें, बिकॉज मैनी यूनिवर्सिटीज़ आस्क कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पर अपोस्टाइल लगा हो. Then there is a certificate of curricular units and classification, जिसमें आपका credits mention होते हैं कि आपके course के कितने credits थे and आपके कितने credits आपने obtain किए हैं, आपका course complete हो गया है. आप जब वहाँ website पर जाएंगे तो आप faculties को search कर सकते हैं, वहाँ कौन कौन से professors हैं, उनकी क्या research works हैं, एंड उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट फिट है. एंड हियर आप यहाँ जा के टीचर्स भी चेक कर सकते हैं, फुल लिस्ट ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ यूजफुल इंफॉर्मेशन में, एंड रिसर्चर्स जितने हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए एंड आपको सब यहाँ मिल जाएगी. सेकेंड मेथड दैट इज दैट देयर आर ओपनिंग्स ऑन गूगल, दे पोस्ट द ओपनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लॉन्च्ड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन द यूनिवर्सिटी. सो ऑन गूगल, आप गूगल पर जाएंगे और आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं पी एच डी पोजिशंस इन पोर्चुगल. आफ्टर सर्चिंग दिस यू विल गेट मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे. सो बेसिकली मैं इस वेबसाइट scholarshipdb.net को सेलेक्ट करके यहाँ से चेक करती थी. सो यहाँ पे जितने भी पोजीशंस हैं आप चेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ और भी जैसे किसी को पीएचडी करना है या अंडर ग्रेजुएट करना है या यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना के आप कर सकते हो. देन आप यहाँ पे जाएंगे तो जो भी, फॉर एग्जांपल, आपको पीएचडी इन हेल्थ साइंसेस शो हो रहा है ये पोर्टो में, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो में, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड क्या समरी है, क्या काम होगा, आपका जो पोजीशंस हैं वो पोजीशन क्या है, आपको कितना पैसा मिलेगा, आप सारे यहाँ पे वेरीफाई करके अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ. सो जिस यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर रहे हैं अपना मास्टर्स, आपको वहाँ से अपने दो अच्छे प्रोफेसर्स जो आपको बहुत प्रॉपरली जानते हैं एंड यू हैव वर्क विद देम,
you need recommendation letters from those professors, and mostly universities ask for 2 letters, and that should be good recommendations. The next document that you need is your motivation letter. It should be really good, and you have to tell them about whatever work experiences you have and whatever work you have done, different projects, publications. So some people have asked me, like, if I don't have an experience in a particular field or if I don't have publications, can I get a PhD position? Yes, you can. So what happens is, जब आपकी पब्लिकेशंस होती हैं, आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. हाउ इट इंक्रीजेस? बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पब्लिकेशंस इन मास्टर्स. सो व्हेन यू अप्लाई एंड यू हैव अ पब्लिकेशन, यू गेट एन अपर हैंड इन एक्सेप्टेंस. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ पब्लिकेशन. सेकेंडली, अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए पब्लिकेशन नहीं है, आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, no problem, you can study about it, and maybe some universities will conduct some interviews, you can get through the interview. So जैसे कि मैंने आपको बताया, different process होते हैं. First process, directly apply करना है on the university website. In this process you won't get the grant or the scholarship. So इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका application जब आप submit कर देते हो, submit करने के बाद आप अपने प्रोफेसर्स से जब कांटेक्ट में आओगे, यू कैन टॉक विद योर प्रोफेसर्स फ्रॉम द ग्रांट एंड दे विल हेल्प यू टू गेट द गुड ग्रेड्स देयर. सो एवरी ईयर एफ सी टी इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द ओनली नेशनल एजेंसी दैट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स टू द पोर्चुगीज स्टूडेंट्स. सो आप एफ सी टी में अप्लाई करके आप वहाँ से ग्रांट ले सकते हो, बट दैट प्रोसेस इज आफ्टर यू गेट द एडमिशन, नॉट बिफोर. So this is the method. Basic difference between both the types of application is that in directly getting admission in the university, you have to wait for a while before getting the grant or the scholarship, whereas in the openings, you get the grants directly because it's the position that they are offering and they will definitely pay you. First वाले में मुझे मिल गया था admission. So first category में मुझे मिला था, लाइक मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना जो भी वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एरिया, सब कुछ मैंने फॉर्म की डिटेल्स सारी फिल की थी. फिल करने के बाद मैंने उसमें अपना, मेरा कुछ स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं था, बट एक फील्ड थी जी एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें मेरे को काम करना था, मैंने वो अटैच किया. एंड आई हैड सम पब्लिकेशंस एंड एवरीथिंग एंड अ गुड रिसर्च एक्सपीरियंस एंड गुड स्कोर्स. So that is why I was shortlisted, and later I applied for different grants after getting in touch with my professor. So my professors helped me to get the grant. Good, I'm here. I will make another video if you guys want, and with that video you can know, like, what are the documents required. Except these documents, there are other documents that are required, and apostille. So your document has to be attested by the state HRD, and it should be, otherwise you will not get your admission in any university. So make sure you have this apostille degree and mark sheets before applying. So even when you will get the admission and you will apply for the visa, you need this document, because embassy will not give you the visa if you don't have this stamp. So my next video will be on how and what are the documents that you need to apply for a student or a researcher visa in Portugal, and how can you come to Portugal on a student visa. So stay tuned, subscribe to my channel, and please share with your friends so that I can get motivated and make more videos. And please like, share. Thank you. Thank you for watching.